तो गुरुदेव हमको कहे देखो ये वैष्णव जगत है ना, विनोद तुम कभी जीतना नहीं, तुम हार जाना, देखना तुम्हारा ही विजय होगा। ये जगत ऐसा है, यहाँ जो हार जाता है, हर क्षेत्र में जो हार जाता है वो विजय प्राप्त करता है, जो जीतने के लिए चेष्टा करता है वो ही हार जाता है। देखो विनोद, श्रीमद् भागवत पुराण में कहे हैं जब तक सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि माने भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक गुरु सान्निध्य में रह करके गुरु सेवा करनी चाहिए। और गुरु अगर मान लो दूर है, कहीं सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, तो कोई महत्पुरुष, सजातीय कोई महत्पुरुष का अनुगत्य में रह करके तुमको सेवा माध्यम करके आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये नियम है, बाधा तो आएगी, सेवा करेंगे कोई बाधा नहीं, कोई विपत्ति नहीं, कोई दंड नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु सेवा क्या चीज है, क्या बाधा आती है, हम देख के आया है, हमारा खूब याद है भाई, ये कहीं नहीं कहीं विषय नहीं है, हमको खूब याद है, बहुत कष्ट पाया हमने गुरु सेवा। उदाहरण क्या, गुरु सेवा में है, हमको हटाने के लिए एक चक्र चल रहा था, जिसको हटा यहाँ से, ये तो गुरु का बहुत प्रिय पात्र बन रहा है और गुरु भी इसको बहुत प्यार करते हैं, तो उनका जलन होता है, इनको हटा यहाँ से, तो ऐसे ही अपने आपने एक ग्रुप बना लिया, ग्रुप बना करके बस, तेरा गुरु नहीं है, इसका ही गुरु है, तेरे गुरु सेवा करने का अधिकार नहीं है, तू सेवा कर, कल से ये बहुत दिन कर लिया, अब तेरा भी गुरु है। और वो सरल सीधा था, तो वो सुन करके उसके भीतर में बैठ गया है, ये हमारा भी अधिकार है, हमारा गुरु है, हम गुरु सेवा करेंगे। एक दिन हमारा बुखार आ गया, बहुत सारे कहानी है, फिर भी एक छोटा सा घटना मैं कहता हूँ, बुखार आ गया है तो रात को 2 बजे उठना पड़ता था, 2 बजे उठ करके गुरुदेव शौचादि क्रिया के बाद उनको स्नान ध्यान कराने का, दातुन कुल्ला दिए सब करना हमारा ड्यूटी था, तो हम गुरुजी को उठा करके जब ले आएंगे तो बुखार आ गया ना, गरम लग गया, अरे विनोद तुम्हारा तो बुखार आ गया, जाओ 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 तुम, आज जाओ आज, आज तुम, आज तुम विश्राम करो। तो वो गुरु भाई जो है वो आ गया, बोलता है हम करेंगे, तो हमने बोला ठीक है एक दिन के लिए करेगा, कोई बात नहीं, गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा बुखार आ गया तुम विश्राम करो, तो उसने करना शुरू कर दिया। एक दिन किया, दूसरा दिन गए, हम बुखार ठीक हो गया, बोलता है हमको 2-1 दिन करने दो, तुमने तो बहुत दिन किया, अब 2-1 दिन हमको करने दो, फिर जाके तुम करना। तो हमको तो अच्छा नहीं लगा, गुस्सा तो खूब आ गया, हमारे ठीक है आज करो करो, काल से हम तुमको दिखना नहीं चाहते हैं, ये सुबह प्रातः काल हम गुरु सेवा में रहते हैं, हमारे जो सेवा गुरुदेव हमको कृपा करके जो सेवा प्रदान किए हैं, काल से हम तुमको दिखना नहीं चाहते हैं। तो ठीक है दिखा जाएगा। तीसरा दिन, और वो लोग पहले से ही अपना ग्रुप जो ठीक किया, जिसको यहाँ से हटाओ हटाओ, तो रात 2 बजे उठ करके गए हैं गुरु जी को जगाने के लिए, गुरु जागे रहते गुरु जी तो सारी रात सोते नहीं थे, वो तो निद्रा जो ही थे, दिन में ना रात में कभी सोते नहीं थे गुरुदेव, हम निद्रित होने में हम कभी देखे नहीं है जो गुरुदेव आज अभी निद्रित हो गए हैं। तो दरोजा में बैठे हैं, एकदम दरोजा गार्ड करके, एकदम भीतर हमको कुछ दे देंगे नहीं, वो तो 1 बजे उठ करके बैठे दरोजे के पास। फिर हमने देखा तो अभी झगड़ा करना ठीक नहीं है, गुरुदेव नाराज हो जाएंगे, गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं ना, बोले भाई थोड़ा सा हट जाओ, एक चीज लाएंगे। तो
वो सोचा कोई इस चीज लगे तो आ जाएगा, हम भीतर जाके उसके पीठ में पीठ लगा कर हम बैठ गए। अब गुरुदेव उठे हैं, गुरुदेव का हाथ पकड़ के हम उठा रहे हैं, और वो पीछे रह गया देखते तो ये तो हाथ पकड़ के गुरुदेव उठा रहे और चिल्ला मिलने शुरू कर दिया एकदम, हमको हाथ पकड़ के एक खींचना शुरू कर दिया, और उनका जो समर्थक है वो लोग भी बड़ा अरे आश्रम में हल्ला चिल्ला गुल्ला, हाँ तुम्हारी गुरु है तुम ही ऐसे ऐसा करोगे तैसा करोगे ये करोगे वो करोगे, बड़ा अशांति एकदम आश्रम में एकदम रात को 3 बजे ऐसे झगड़ा। फिर गुरुदेव दुखी हो गए, हमको बोलते हैं तुम भी क्यों जिद करते हो, तुम क्यों जिद करते हो, छोड़ो ना देखो क्या होता है। तो गुरुदेव आदेश किए हैं तब तो हमको छोड़ना पड़ेगा, तो हमने छोड़ दिया तो हमारी सेवा छूट गया, तो बहुत दुखी हो गया मन इतना खिन्न हो गया। दूसरा दिन हम थोड़ा मन को चित्त को शांत करने के लिए राधा कुंड से चले गए वृंदावन, थोड़ा थोड़ा दिमाग को थोड़ा शांत करने के लिए चलो थोड़ा दर्शन करेंगे। उस समय माँ आनंदमय भी आई थी आश्रम में, हम लोग चलो उनका भी दर्शन करेंगे। तो ऐसे ही तो एक दिन घूमे, और इधर क्या हुआ गुरुदेव तो नाराज हैं, जानते नहीं है कैसे सेवा करनी चाहिए, ऐसे थोड़ी होते सेवा, सेवा इच्छा करनी चाहिए सेवा थोड़ी होती है। क्या किया माथे में गर्म पानी डाल दिया ठंडी के मौसम, और गुरुदेव तो पहले नाराज था ही, और हम तो खूब रोए गुरुदेव के पास जाकर के खूब रोए खूब रोए, कहे कुछ नहीं रहे हैं लेकिन रोए हैं खूब रोए हैं। तो गुरुदेव हमको कहे देखो ये वैष्णव जगत है ना विनोद, तुम कभी जीतना नहीं तुम हार जाना, देखना तुम्हारा ही विजय होगा। ये जगत ऐसा है यहाँ जो हार जाता है हर क्षेत्र में जो हार जाता है वो विजय प्राप्त करता है, जो जीतने के लिए चेष्टा करता है वो ही हार जाता है। देखो विनोद हम लोग तो सब हार के ही यहाँ आए हैं, ये सब तो हम लोग तो हर तरह से हार करके ही यहाँ आए हैं, आज क्यों जीतने का चेष्टा, हम तो सब हार चुके हैं ना। जब हर तरह से हार जाता है तभी जाके शरणागति होती है, जब तक दम रहता है हम रहता है तब तक दम रहता है, जब तक दम रहता है तब तक ही गम रहता है, तब तक ही साधक आगे बढ़ना उसके लिए कम रहता है, उसके आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ना। हम लोग समर्पित क्यों हो नहीं पाते हैं, अहंकार अभिमान हारते नहीं है ना, विजय प्राप्त करना चाहते हैं हर स्थिति में। भजन करने आए हैं यहाँ भी कंपटीशन, यह भी कंपटीशन, उससे हम अच्छा है उससे हम अच्छा है वो क्या जानता है वो क्या जानता है वो क्या जानता है, यहाँ भी कंपटीशन। तो हर तरह से जब हार जाता है तभी तो जाकर के शरणागति होती है, शरणागति ऐसे थोड़ी होती है। तो गुरुदेव कहते हैं देखो हम लोग सब हार करके ही यहाँ आए हैं, आप क्यों जीतने का चेष्टा कर रहे हो, तुम हार जाना विनोद, हमको ये शब्द कहते तुम हर स्थिति में हर जगह तुम हार स्वीकार करना। तो हम भी खूब रोए, गुरुदेव का आंख भी चल चला गए एकदम, ये शब्द सुन करके एकदम ठीक है हम तो वृंदावन गए वृंदावन जाके आए। तो गुरुदेव तो हमको बहुत स्नेह करते थे हम जानते हैं, फिर उसको तो बहुत फटकार दिया, सहन नहीं किया गया गुरुदेव से, मरा फट कर दे काल से तू आना नहीं एकदम हमारे पास, काल से तू एकदम हमारे पास आना नहीं, गुरुदेव से सहन नहीं किया गया है।
हम तो कुछ कहा नहीं, झगड़ा नहीं किया। फिर वो ही कहा जाओ तुम जाना सेवा करने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे द्वंद्व संघात, नाना प्रकार विक्षेप ये आती है भजन जीवन में।